सभी भाइयों को प्रदीप सुदगण की तरफ से राम राम नमस्कार सत श्री अकाल जी। तो आज का वीडियो लेके आए हैं भाई अपने गांव सुदगण कला जिला जींद से सचिन भाई के यहां से जी। युवा पशुपालक साथी है और काफी सारा पशुधन भाई के पास में है, तो पूरी जानकारी लेंगे। और जो अपना गांव सुदगण कला है जी, नरवाना से 10 किलोमीटर और जींद से भाई 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो सामने भाई चोटियां देख पा रहे हैं, काफी बढ़िया भाई ने तैयार की है और पशुपालन में काफी अच्छा भाई ने जो काम किया है। लेकिन जो वीडियो वो पहली बार ही हम भाई के यहाँ से लेके आए हैं, वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं बनवाते हैं। तो कैमरे पर देखो, बात करने का ज्यादा अनुभव नहीं है भाई का, तो पशुन की जो क्वालिटी है वो आप देखें जी। ये देखें जो ऑर्डर की क्वालिटी की बात करें, काफी शानदार ये देखें, और स्पेसिंग वगैरह है बहुत ही लाजवाब इसकी। और भाई जो रेट वगैरह है वो देखो भाई पशुपालक भाई तय करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ भाइयों के कमेंट आए थे कि प्रदीप भाई रेट ज्यादा है, आपने बोला नहीं। तो देखो भाई जी, अगर जायज रेट मांगोगे तो पशु जरूर सेल होगा, और हर पशु की अलग अलग कीमत होती है और अलग अलग जो देखो भाइयों क्वालिटी होती है। तो ये देखें नीचे से ऑर्डर की क्वालिटी, पूरी जानकारी है वो सचिन भाई से लेंगे क्या कुछ इसका रेट है और क्या डिटेल इसकी है। सचिन भाई राम राम। राम राम भैया। वो ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दे भाई। मैं 95 188 57 840। अपनी जो दिखाने लग रहे हो अपनी अपनी घर की है? हाँ घर की है। अच्छा, और देखिए भाई जो एक बार आपको क्वालिटी दिखा देते हैं, और जो एड्रेस मैंने आप भाइयों को बताया भाई अपने गाँव से आज वीडियो लेके आए हैं, और भाई की घर की है, और जो क्वालिटी वो आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई सचिन, टोटल कितने पशु अपने पास में? अपने पास में 13-14 पशु है। 13-14 पशु हैं। तो भाई साथ के साथ में देख पा रहे हो भाई काफी अच्छी क्वालिटी की जो रोटियां हैं कटड़ियां हैं वो भाई के पास में है। और ये देखे भाई कौन से व्यंत की है? ये तीसरे व्यंत में आएगी। तीसरे व्यंत में बहने वाली है। अच्छा, कितने दिन कच्ची फिलहाल? 10 दिन कच्ची है। अच्छा 10 दिन कच्ची है, तीसरे व्यंत में बहने वाली भाई जो क्वालिटी वो आप देखो बिल्कुल भारी भरकम। सचिन खोल ले एक बार भाई इसको। तो भाई 10 दिन कच्ची है और जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो आप देखो जी भाई, जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं। तो अभी 10 दिन बाकी हैं और जो क्वालिटी भाई देखो किस तरह की जो तैयार हुई है, थनों का साइज स्पेस आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये देखें भाई, तलाव तलाव सीधा लीजिए एक बार। ये देखें जी, और जो पेट पुट्ठा है वो देखें, और भाई बहुत सांस भाव की है। जैसे देखो मैं वीडियो बनाने के लिए भाई के पास पहुंचा तो 1% भी किसी तरह का कोई ऐसा नहीं भाई, कोई कैमरे को देख के डरना किसी तरह का, ऊपर अपन कुछ नहीं है। देखें पीठ की चौड़ाई बिल्कुल भारी भरकम है, तीसरे ब्याह की है, 10 दिन अभी बच्चा देने में बाकी है जी। भाई पिछले ब्याह में कितना दूध दिया है? 16 किलो दूध दिया है। 16 किलो दूध? अच्छा 16 किलो भाई जो दूध इसने दिया है। और देखें जो आगे से चेहरे की क्वालिटी आपको दिखा देते हैं, ये देखें भाई इसको सचिन कैंडी नहीं कह सकते क्योंकि एक सिंह थोड़ा इस पीछे तरफ गया हुआ भाई। ये देखें ठीक है, ये देखें भाई सिंगों की थोड़ी जो आप देख पा रहे हैं कुछ साइड में गया हुआ है, इस साइड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है मीनी है बिल्कुल, लेकिन जो सिंग है वो आप देख सकते हैं भाई। आगे से देखो थोड़ी सिंगों में भाई बिल्कुल रिंग सिंग होता, तो सचिन भाई क्वालिटी बहुत बढ़िया हमारी झोटी की तेरी भैंस की। वो देखो जी आगे से जो चेहरे मुरे क्वालिटी आप देख सकते हो, बाकी जो और क्वालिटी है भाई वो आप देखें बिल्कुल पीठ पुट्ठा भारी भरकम काफी शानदार है। ये देखिए जी, और भाई की अपनी बार लेके आए थे आप, कटड़ी थी अपनी घर की जामी हुई कट्टी है। अच्छा घर की जामी कटड़ी है। ये देखें जी भाई, और 16 किलो इसका दूध का पिछले बैठ में 16 किलो दिया सचिन? हाँ जी अपने घर दिया है। अच्छा अपने घर पे दिया है। तो भाई सचिन भाई थोड़ी आवाज कम इसलिए आ रही है, पहली बार वीडियो बना रहे सचिन भाई? हाँ जी पहली बार। हाँ तो भाई वीडियो का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन भाई के पास में युवा साथी है पशुधन, देखे भाई काफी सारा पशुधन भाई के पास में है और काफी अच्छी अच्छी भैंसे है जी। एक बार आपको दिखाना भी जरूर चाहूंगा मैं जी। ये देखे आप, और अंदर वाली साइड में भी है जो साथ में आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये देखे, और भाई देखो दो डिटेल वगैरह है वो भाई साथ साथ में ले रहे हैं। ये देखें भाई अपने तो दो भैंस अपने घर पे रखी है, दर सफाई कैसी है? बढ़िया है। अच्छा ये देखे भाई बिल्कुल मुट्ठी का थाना जी। और भाई इसकी बार तीसरे भैंस में क्या उम्मीद कर रहे हो, कितना दूध निकाल देगी? देखो भाई आपके सामने है तो सभी भाई ने अंदाजा लगा सका है। अच्छा तो भाई सचिन भाई ने बात छोड़ दी है अपने भैया पे, जो भाई देख रहे हैं भाई आइडिया लगाओ भाई कितने दूध निकाल देगी, क्योंकि तो सेकंड टाइम की डिटेल दी भाई ने बहुत बढ़िया है। और भाई देखो जो क्वालिटी वाइज भी आप आइडिया लगा सकते हो, देखो भाई कितना तो दूध वो निकाल देगी। ये देखें स्पेस बहुत बढ़िया है जी, और नीचे की बहुत साफ सुथरी है, देखो बिल्कुल नीचे से ऑर्डर की क्वालिटी दिखा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। और
दसी नब्बी कच्ची जी। सचिन भाई इसका रेट बताओ। सवा दो लाख रुपये। सवा दो लाख रुपये, थोड़ा बहुत है गुंजाइश इसमें। हाँ। चलो भाई जी, तो भाई दर्शक भाइयों आप ही बताओ, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई प्रदीप ज्यादा रेट मांगा, आप बोल दे नहीं। तो सचिन भाई जितना रेट आपने मांगना है आप उतना मांगो, या किसी मेरा बोलने से कम थोड़े करोगे, कर दोगे ना? कोई अपने आप मांगा मैं, अपने आप मतलब कहना क्या हो भाई, अगर ज्यादा लगा तो भाई पशु नहीं बिकेगा, अगर रेट जाज मांग रखा तो भाई 100% वीडियो में सिलो जाओ पशु, तीन सी बात हुआ है। जाजे है रेट तो बिल्कुल भाई जी, वो खुद का अपना तो ना अपना पता हो कितने का है, तो रेट वगैरह देखो भाई जी, वो सारी चीजें भाई पशुपालक भाई खुद तय करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। पशु को अच्छे तरीके से दिखाना, बढ़िया हिटकी है, बढ़िया लेंथ है, बिल्कुल भारी वर्कम, वो आप देख पा रहे जी, हमारी पूरी जिम्मेवारी भाई जी, जिस चीज की आपने मतलब वीडियो में बोल दिया कि ये चीज इस तरह की है तो वही मिलेगी। तो ठीक है सचिन भाई, राम राम। ठीक है, राम राम प्रदीप भाई। तो भाई सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिल्कुल एक आम किसान के घर से कच्चे खुट्टे से आज का जो वीडियो है वो आप भाइयों के लिए लेके आए थे अपने गांव सुदगन कला से, सब भाइयों को एक बार फिर से राम राम।